क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत गणित दर्पण चैनल पर। देखिए, हम जो एक्सेलेंट की डेस्क पर कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसका जो 20वां प्रश्न आज देखेंगे। 20वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेषित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और एग्जाम के अंदर 100% बहुलक है वो आता ही है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे पेपर पे ले लिया है, इसको हम करते हैं कि बहुलक है वो किस ढंग से आपको निकालना है। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए आपको जो टेबल प्रश्न में दे रखी है वही टेबल आपको वापस बनानी है एज इट इज। इसमें कोई टेबल में नया आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा हम माध्य और माध्यिक के अंदर करते हैं। यहाँ पे बहुलक के अंदर आपको जो टेबल दे रखी है वो ही आपको बनाना है ऐसी की ऐसी अपने कॉपी के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्वाधिक बारंबारता देखना है। देखिए बहुलक के अंदर की बारंबारता जो दे रखी है 10, 35, 52, 61, 38 और 29, इसके अंदर देखना है कि सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है मुझे, 61 यानी 61। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ अधिकतम बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता, अधिकतम लिख सकते हैं या सर्वाधिक बारंबारता लिख सकते हैं, कि यहां अधिकतम बारंबारता 61 है। इसके संगत वर्ग अंतराल, सबसे पहले हम बहुलक वर्ग निर्धारित करेंगे। तो देखिए, इसके संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है। देखिए 61 के संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है, 60 से 80, ठीक है। तो वर्ग अंतराल 62-80 है। अतः हमारा जो बहुलक वर्ग है वो निर्धारित हो गया कि 60 से 80 होगा, राइट। तो यहां लिखेंगे अतः बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग बराबर हो गया 62-80। इसका मतलब यह है कि आपका जो आंसर है यानी बहुलक है वो निकल के आएगा 60 और 80 के बीच में, राइट। अब बहुलक आपके आ गया, अब सूत्र के अंदर सभी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको बहुलक का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, तभी आप बहुलक है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैं बहुलक का फॉर्मूला लिखता हूँ कि बहुलक बराबर होता क्या है। देखिए, बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ठीक है। अब लिख लिख के आपको फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, तभी आप बहुलक है वो निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है फॉर्मूला भी। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इस फॉर्मूले के अंदर सभी मान है वो किस ढंग से टेबल से रखना है। सबसे पहले तो ये एल है, तो एल का मतलब होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग आपने निर्धारित कर दिया 60 से 80। कैसे हुआ निर्धारित, अधिकतम बारंबारता देखना है, उसके संगत जो वर्ग अंतराल होगा वही हमारा बहुलक वर्ग होगा, राइट। अब बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा, यानी ये निम्न सीमा है, ये ऊंच सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। लोअर लिमिट एल से प्रेजेंट हो रही है, यानी 60 है वो हमारा एल आ गया। तो देखिए, यहाँ पे एल के स्थान पर रखूंगा मैं 60, ठीक है। फिर प्लस ब्रैकेट एफ वन है वो आपके बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है। अब देखो, बहुलक वर्ग है वो क्या है, 60-80। यहाँ से देखना है आपको 60-80 बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी हमारा जो 61 है वही F1 है। तो यहाँ लिख लो आप, ऐसा समझने के लिए F1 लिख सकते हैं। तो ये है हमारा F1। तो चलिए, यहाँ पे मैं F1 लिख लेता हूँ 61। फिर माइनस F0, अब मुझे लिखना है F0। तो F0 होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये आप अपने जो बुक है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा हुआ है, पढ़ पढ़ के याद कर सकते हैं कि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग कौन सा है, 60-80 बहुलक वर्ग है, उससे ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा है, 40-60, इसकी बारंबारता कौन से हो गई, 52। तो यहाँ से F1 से जस्ट पीछे चले जाना, मिल जाएगा आपको F0, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 से पहले क्या आता है, 0, यानी F0 हो जाएगा हमारा 52। तो यहाँ आ जाएगा 52, ओके। नीचे सभी मान लिख लेते हैं। देखिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, तो 2 F1 आपने पहले ही निर्धारित कर दिया है, F1 क्या है, 61।
यहाँ लिखेंगे 61, फिर माइनस एफ जीरो, एफ जीरो है वो क्या है देखिए 52, तो यहाँ लिखेंगे 52, फिर माइनस एफ टू, एफ टू है वो देखिए बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता होती है, तो बहुलक वर्ग कौन सा है 60 to 80, और इसकी ठीक बाद वाला वर्ग कौन सा है 80 से 100, और इसकी बारंबारता क्या हो गई 38, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं देखिए एफ वन है इसके बाद में क्या आएगा एफ टू, तो एक तरह से गिनती याद रखना है 0, 1 और 2, तो एफ जीरो एफ वन और एफ टू कंटिन्यू आप याद रख सकते हैं, तो एफ जीरो हमारा मिल गया हमें 38, ब्रैकेट बंद, और उसके बाद में इनटू हैच, हैच होता है वो वर्ग अंतराल है, यानी यहाँ पे जो जीवन काल घंटों में दे रखा है वो कितने कितने का अंतराल चल रहा है, यहाँ 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, यानी 20-20 का अंतराल है राइट, तो यहाँ एच है वो कितना है 20, ठीक है। अब देखो आपने सभी मान है वो लिख लिए, अब आपको गणना करना है, तो चलिए इसकी गणना करके बहुलक निकालते हैं, तो देखिए 60 को एच डी ऐसे कैसे लिख रहा हूँ मैं, 60 ऐसा का ऐसा, ब्रैकेट 61 माइनस 52 यानी 61 में से जब 52 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे 9, यहाँ पे 2 का गुणा 61 से करो तो क्या आ जाएगा 122, फिर माइनस, अब देखिए माइनस की 52 है और माइनस के 38 है तो माइनस माइनस संख्या ऐड होती है तो माइनस के आ जाएंगे 90, 52 और 38 मिलके कितने हो गए 90, फिर इन ब्रैकेट बंद और इन टू 20, ओके बराबर 60 प्लस, अब देखो यहाँ पे 9 ऐसा का ऐसा, इसको पहले घटा दो, 122 में से 90 गए कितने बचे 32, 32 ब्रैकेट बंद इंटू 20, अब कोई संख्या अगर कटे तो काटना है नहीं तो आपको अंत में भाग देना ही पड़ेगा, तो 60 प्लस देखिए यहाँ पे सीधा ही मैं यहाँ गुणा ही कर लेता हूँ, 9 का गुणा 20 से हुआ तो कितना आ गया 180, और 180 बट्टा नीचे आ जाएगा 32, ठीक है। अब 180 के अंदर 32 का भाग दे दो तो आ जाएगा हमारा 60 प्लस, देखो 180 के अंदर जब 32 का भाग देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5.625, ठीक है, या भाग दे सकते हैं, अगर आपको बड़ी संख्या का भाग देने में समस्या आ रही तो आप इजी भी कर सकते हैं इसको, देखिए ऊपर सम संख्या है नीचे भी सम संख्या, तो आधा आधा कर दो, जैसे ऊपर 90 बन जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, तो 90 के अंदर 16 का भाग देना आप इजीली कर सकते हैं, तो 60 और 5.625 इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 65.625, ये आ गया बहुलक, लास्ट में लिख सकते हैं घंटे, क्योंकि यहाँ जीवन काल घंटों में दे रखा है, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें जीवन काल घंटों में दे रखा है, उसी का हमें बहुलक पूछा है, तो हमारा अंतिम आंसर है वो निकल के आ गया 65.625।